नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं शेफ आसिफ सोहरावर्दी। आज हम दम का कीमा बनाएंगे। दम के कीमे के लिए जो अज्जा हमें दरकार है उसमें शामिल है चने एक खाने का चम्मच, खशखश एक खाने का चम्मच, धनिया पाउडर एक खाने का चम्मच, जीरा एक खाने का चम्मच, कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट दो चाय के चम्मच, कच्चा पपीता दो खाने के चम्मच, प्याज फ्राई की हुई और क्रश की हुई आधा का, दही आधा का, लाल मिर्च कुटी हुई एक खाने का चम्मच, नमक दो चाय के चम्मच या हसबे जायका, हरी मिर्च क्रश की हुई दो टेबलस्पून यानी दो खाने का चम्मच, जायफल जावित्री का पाउडर एक चौथाई कप, ऑयल आधा कप, हरी इलायची 3-4 अदद, पानी एक कप, मक्खन एक खाने का चम्मच, हरा धनिया आधा कप, अदरक के जूलियंस एक टेबलस्पून गार्निशिंग के लिए। तरकीब, चने खशखश धनिया और जीरे को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें, कीमे को अदरक लहसुन की पेस्ट कच्चे पपीते के साथ चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लें, एक कटोरे में कीमा पिसा हुआ मसाला प्याज दही लाल मिर्च नमक हरी मिर्च जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और एक घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। एक पैन में ऑयल शामिल करें और गरम करें, फिर इसमें हरी इलायची शामिल करें। अब मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल करके भूनें, आधा कप पानी शामिल करके 20 से 25 मिनट हल्की आंच पर पकने दें, यहाँ तक के पानी सूख जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और कीमा बिल्कुल नरम गल चुका हो। अब मक्खन रख के कोयले का दम दें और 2-3 मिनट तक इसको ढक दें, अदरक और धनिया से गार्निश करें और आप फिर इसको सर्व करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी, इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।